जय हिंद जय भारत। मैं सुबेदार आनंदगुण संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव न्यूर तहसील देवला डिस्ट्रिक्ट नासिक। दोस्तों लक्ष्य डिफेंस एकेडमी के अंदर महाराष्ट्र पुलिस की, आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी की, मतलब सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसआरपीएफ, एसएसबी, एनआईए, असम राइफल, इन सबकी भर्तियां या भर्ती की तैयारियां यहाँ पर कराई जाती है। आज मैं एक ऐसे पेरेंट्स को आप इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको ऐसे पेरेंट्स से मिलाने जा रहा हूँ। वो खुद बताएंगे उन्होंने ये एकेडमी क्यों चूज की। एक तो तकरीबन यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है, 90 किलोमीटर से यहाँ पर सर आए हैं हमारे पास। उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन ले लिया है, 11th में उनका बच्चा अभी पढ़ रहा है हमारे पास, मतलब अभी एडमिशन लेगा, उसने अभी एकेडमी ज्वाइन कर ली है। तो 90 किलोमीटर इतना दूर उन्होंने लक्ष्य डिफेंस एकेडमी चूज क्यों की, क्योंकि पेशे से वो ऑलरेडी टीचर है और देखते हैं उन्होंने ये एकेडमी क्यों चूज की, उनके मुंह से हमें सब कुछ सुनेंगे। म्हणजे 90 किलोमीटर तकरीबन आता आजकाल जे व्यक्ती आहेत ना, आपल्या जवळ कोणती अकॅडमी ते बघतात, काय बघतात, आपल्या जवळ कोणती अकॅडमी, जवळच्या अकॅडमी मुलांना टाकतात। परंतु तुम्ही 90 किलोमीटर वरून तुम्ही इतक्या लांब आले काय, कारण काय नेमकं, की तुम्हाला 90 किलोमीटर मध्ये अकॅडमी काय दिसलं नेमकं? सर तुमच्याकडे जे आहे ना क्वालिटी बघितली आम्ही, पहिले आलो पहिले सुरुवातीला आल्यानंतर आम्ही तुम्ही काही भेटली नाही, मी तुम्हाला भेटलो नाही पाहिजे, तुम्ही पहिल्यांदा आले त्यावेळेस मी नव्हतो, त्यावेळेस तुम्ही अकॅडमी आले, रविवारी आलो, रविवारी आलो तुम्ही भेटले नाही आम्हाला, 3 साल भेटले, तीन साल भेटले ते मी आम्हाला दाखवलं, मी मुलासोबत यांच्या विरुद्ध आणि मुलासोबत तुमच्याच्या विरुद्ध तुमच्या मुलासोबत। सबसे बडी बात ही आहे, जब मैं यहाँ पर नहीं था, संडे के दिन मैं अकेडमी पे नहीं होता, जब मैं यहाँ पर नहीं था सर, यहाँ पर आए उन्होंने हर बच्चे पर, जितने बच्चे यहाँ पर हॉस्टल में हैं, उनसे मिले, सब बच्चों से मिले, यहाँ पर उन्होंने एकेडमी देख ली और आगे हम क्वालिटी बोलण्याचा रिस्पॉन्स आणि त्यांना काय त्याच्यात कसं कसं तुम्ही सर कसे देता बोल सर विषय कसा आहे क्वालिटी देता का सर राहता का ते म्हटले सर इथं आठ दिवस इथंच राहते एकच दिवस नाशिकला जातो सर आमच्या जवळ झोपण्यासाठी राहण्यासाठी सर्व काही सर आमच्या सोबतच राहता सर राहता म्हटल्यानंतर म्हटले यांच्याकडे क्वालिटी आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं तुम्ही जे नवीन चालू केलेलं आहे तुम्ही खूप काही क्वालिटी देणार आहे, इतकी क्वालिटी देणार आहे की आम्हाला मी पुढच्या वर्षीच काढणार। किसी किसी मन में ये होता है कि भाई एकेडमी नई स्टार्ट हुई है, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या है क्या नहीं है, लेकिन सोच देखो सर कितनी जबरदस्त सोच है, एकेडमी मैंने नई स्टार्ट कर दी है और मैं सोमवार से लेकर शनिवार तक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी के अंदर ही रहता हूँ। उनकी सोच को मैं एक्चुअली सैल्यूट करता हूँ, मुझे इस एकेडमी का रिजल्ट देना है, 100% मुझे इस एकेडमी का रिजल्ट देना है, वही सोच इन्होंने यहाँ पर रखी है। तो सर फिर आपने बच्चों से बात की, बच्चों से बात की तब आपको लगा कि नहीं, मतलब इससे पहले भी आप बहुत सारे एकेडमी में घूमे होंगे, मैं उनका मतलब नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और बट ये कहानी कि आपने बहुत सारे एकेडमी देखी होगी, तो आपने इन फिर सब हर एकेडमी घूमने के बाद ही आपने ये डिसाइड किया कि बोला मैंने लक्ष्य डिफेंस एकेडमी चूज करनी है। तो मैं अगेन सर को यहाँ पर सर का धन्यवाद कहता हूँ कि सर ने हमारे ऊपर भरोसा किया, उस लायक हमें समझा, और मैं 100% इस वीडियो के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चा अभी 10th पास हो चुका है, 11th 12th में अगर उसने एडमिशन लेना है, उसका आगे का फ्यूचर, अगर बच्चा आप चाहते हो कि उसने डिफेंस ज्वाइन करनी है, आपको लक्ष्य डिफेंस एकेडमी आपको 100% यहाँ पर रिजल्ट देगी। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।